श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल साचे दरबार वंदो चरण सरोज गुरु मद मंगली आगार। जही सेवत नर हो भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघन अनंत। ताते सर्वा रंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार श्री गुरु महाराज जी की। आई प्यारी संगत श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, क्या हो गया? आज हम सब हिसार में श्री छोटे महाराज जी के शताब्दी अवतार दिवस मना रहे हैं। श्री छोटे महाराज जी प्रेम के अवतार थे। जो भी उनके पास आता था, छोटा था, बड़ा था, अमीर था, गरीब था, वह सभी को भर भर झोलियां प्यार देते थे। किसी से भी बात कर लो कि छोटे महाराज जी आपसे प्यार करते थे, यही बात आती है उनके मुख से कि मुझे छोटे महाराज जी ने बहुत प्यार किया है। अपने सत्संग में भी यही कहा करते थे, प्रेमियों इस घोर कलयुग में प्रभु को पाने का सबसे सरल रास्ता क्या है? वह रास्ता प्रेम का है। व्यक्ति इस कलयुग में ना तो यज्ञ कर सकता है, ना तपस्या कर सकता है। यज्ञ के लिए इतना धन नहीं है, तपस्या के लिए शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वह तपस्या कर ले। इसलिए प्रभु ने बहुत सरल रास्ता बताया है। क्या? कि मेरे साथ सच्चा प्रेम कर लो। जब हम सच्चा प्रेम उस मालिक से कर लेते हैं तो मालिक का सिंहासन डोल जाता है। कहते प्रभु खींचे हुए चले आते हैं, जरा तारों से तार मिला के दबे। जब दिल की तार मिल जाती है तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। जैसे एक व्यक्ति को काफी वर्ष हो गए तपस्या करते करते वृक्ष के नीचे बैठा है तो उसे प्रभु के दर्शन नहीं हुए। उधर से नारद जी जा रहे हैं प्रभु से बातचीत करने के लिए, तो नारद जी से कहने लगे, आप प्रभु से पूछना कि मुझे दर्शन होंगे या नहीं होंगे। जब वह नारद जी प्रभु के पास पहुंचते हैं तो प्रभु से कहते हैं कि उस व्यक्ति को काफी समय हो गया तपस्या करते करते, क्या उसको दर्शन होंगे आपके या नहीं होंगे। प्रभु क्या कहते हैं कि उसको कहना जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने युग बीत जाएंगे, उसके बाद मैं दर्शन दूंगा। अब नारद जी मन में सोचते हैं कि क्या उत्तर दूं, उसका तो मन टूट जाएगा। एक युग कितने वर्षों का होता है, वृक्ष के कितने पत्ते, उसकी तो गिनती भी नहीं है, तो क्या बताऊं। वह दूसरे रास्ते से जाने लगती है, पर उस भगत को चाह होती है, वह उसकी इंतजार कर रहे हैं। जब दूसरे रास्ते से जाते हैं पूछते हैं क्या प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, तो क्या कहते हैं, प्रभु ने कहा तो है। कहते क्या कहा? कहते कहने लगे कि प्रभु ने कहा है जितने वृक्ष के पत्ते हैं उतने युग बीत जाएंगे। अभी इतनी ही बात करिए वह झूम के मस्ती से नाचना शुरू कर देता है। इतना नाचते हैं झूम के होश नहीं रहती, कितने युग बीतते कितना समय लग जाएगा, उसी समय प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो नारद जी देखते हैं कि जब प्रभु प्रकट हो गए तो कहने लगे प्रभु भी झूठ बोलते हैं, अभी तो कह रहे थे कि इतने युग बीतेंगे। जब प्रभु से पूछते हैं
तो प्रभु क्या कहते हैं, पहले ये तपस्या कर रहा था तो इसके मन में अहंकार था, अब ये प्रेम की मस्ती में इतना डूब गया, भूल गया कितना युग बीते, कितना समय लगेगा तो मुझे आना पड़ा। ऐसे ही हमारे श्री महाराज जी प्रेम के अवतार थे, यही प्रेमियों को कहते थे, प्रेमियों मैं प्रभु के पास आते हो, मेरे भगवान के पास आते हो, इनसे प्रेम का नाता जोड़ लो, प्रेम का सौदा कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो जय कारा।